हाय फ्रेंड्स, आज आप सभी को टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल बताने में जा रहा हूं। यानी विभाजिता की जांच, किसी भी संख्या को हम लोग देखकर पता कर लेंगे वह दो से कटेगा कि तीन से कटेगा कि चार से कटेगा कि पांच से कटेगा। बहुत से स्टूडेंट्स का कमेंट्स रहा है कि सर हमको विभाजिता के नियम पढ़ा दीजिए, पर बहुत इंपॉर्टेंस है मैथ। अगर आपको जाननी है अच्छे से, इसको जानना तो आपको बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आपको मैथ अच्छा नहीं हो पाएगा। क्योंकि कोई भी संख्या को भाग देना है, कैसे पता चलेगा वह किससे कटेगा, ठीक है। चलिए तो हम इसको देखते हैं। पहला जो हम लोग शुरू करेंगे वह है टेस्ट ऑफ बाई टू, यानी टू से विभाजिता के नियम। टू से विभाजिता का जो नियम है इसके बारे में, डिविजिबल बाय टू, यहां देखेंगे इसका टू से विभाजिता का नियम क्या है। यह कहता है यदि किसी संख्या का इकाई अंक, किसी संख्या का इकाई अंक जीरो हो, दो हो, चार हो, छ हो या आठ हो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक जीरो हो, दो हो, चार हो, छ हो या आठ हो, वह संख्या दो से पूरा पूरा कट जाती है। जैसे देख लीजिए, यह दो से पूरा कट जाएगा क्योंकि लास्ट में जीरो है, लास्ट में छह है, ये भी आपका दो से। पूरा को नहीं देखना है, केवल अंतिम अंक का देखना है कि अगर जीरो हो, दो हो, चार हो, छ हो या आठ हो, इसमें से कोई भी अंक हो तो वह दो से पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं तीन से, तीन से विभाजिता का नियम। यह कहता है यदि कोई संख्या हो तो उस संख्या के जितने भी अंक होंगे उसको अब प्लस कर लेंगे। प्लस करने के बाद अगर वह तीन का गुणज होता है, यानी तीन से अगर कट जाता है तो वह संख्या भी तीन से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए इसको ऐड कर लीजिए अंक को, एक और दो तीन और तीन छः और छः बारह, कितना हो गया, जोड़ेंगे तो इसको एक प्लस दो प्लस तीन प्लस छः, तीन दो पाँच एक छः तीन बारह, बारह जो है तीन से कट जा रहा है ना, तो आपका यह नंबर जो है 12 से 36 भी आपका 3 से कट जाएगा। भाग करके देख लीजिए, पूरा पूरा 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या नियम है, कोई भी संख्या है इसके अंकों को प्लस कर लेंगे, जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद अगर वह 3 से कट जाता है संख्या, समझेंगे वह संख्या भी 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। इसको पता करना है 3 से कटेगा कि नहीं, जोड़ के देख लीजिए, 9 और 6 15, 15 एक 16, 16 6 22, 22 8 30, ये भी आपका 30 आ रहा है प्लस करने पर, यानी 3 से कट जाएगा, ये भी आपका 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। और इसको पता करना है 3 से कटेगा कि नहीं, बताइए जोड़ के, 5 एक 6, 6 और 3 9, 9 7 16, 16 तो 3 से नहीं ना कटता है, इसमें भी 3 से भाग नहीं लगेगा। चलिए, 4 से विभाजिता का नियम कहता है यदि किसी संख्या का अंतिम दो अंक चार से कटे या अंतिम दो अंक जीरो हो, क्या हो, अंतिम दो अंक चार से कटना चाहिए या अंतिम दो अंक पे दो जीरो होना चाहिए। जैसे मान लीजिए दो अंक जीरो है ना, या चार से कट जाएगा, आप चार से काट कर देख लीजिए, चार से कटता है कि नहीं, चार से कीजिए, चार एकम चार हो जाएगा, पांच में चार गया एक, यहां पे छह उतर जाएगा, चार चौका 16 हो जाएगा, कट गया, सात उतर गया, चार एकम चार हो जाएगा, तीन हो गया, एक जीरो उतर जाएगा, चार सत्ते 28, दो हो जाएगा, एक जीरो उतर जाएगा, चार पचे 20, कट गया। तो हम बिना भाग दिए इसको हम देख सकते हैं कि चार से कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। क्या होना चाहिए, अंतिम दो अंक जीरो होना चाहिए या अंतिम दो अंक चार से पूरा पूरा कटना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां देखिए, इसको पता करना है चार से कटेगा कि नहीं, तो हमको अंतिम दो अंक से मतलब है, या तो डबल जीरो होना चाहिए या तो यह चार से कटना चाहिए। 64 आपका है अंतिम, चार से कट जाएगा, 16 चौका 64 होता है, इसमें भी चार से भाग लग जाएगा। पांच से विभाजिता का नियम कहता है यदि किसी संख्या का इकाई अंक जीरो हो या फाइव हो, यही दो हो, अदरवाइज दूसरा हो तो वह नहीं कटेगा।
किसी भी संख्या का इकाई अंक जीरो हो या पांच हो, वह पांच से पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे यहां देखेंगे जीरो है, अंतिम अंक को देखना है पंद्रह साठ या पांच से पूरा पूरा कटेगा क्योंकि यहां पे जीरो है, अंतिम पांच है ये भी पांच से कट जाएगा या पांच से कटेगा, हमको अंतिम देखना है सात है, जीरो या पांच नहीं है तो यह नहीं कटेगा। ठीक है, पांच से भी समझ में आ गया। छह से विभाजिता का नियम कहता है यदि कोई संख्या दो से और तीन से दोनों से कटे तो छह से भी पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे यहां देखते हैं तो यहां दो से कटेगा कि नहीं, एकदम कटेगा, लास्ट में क्या आपका छह दो से कट जाएगा। तीन से देखते हैं, तीन से क्या करेंगे अंकों को जोड़ लेंगे, तो जोड़िए छह दो आठ एक नौ, नौ भी तीन से भाग लग जाएगा, तीन से भी कट जाएगा, यानी दो से भी कट जा रहा है और तीन से भी कट जा रहा है, आपका छह से भी कट जाएगा। इसको देखते हैं, नौ छ पंद्रह, पंद्रह पांच बीस, अच्छा छब्बीस, छब्बीस में जीरो जोड़ेंगे छब्बीस होगा, छब्बीस यहां तो यह तो आपका सम संख्या तो दो से कट जाएगा, लेकिन छब्बीस में तीन से नहीं भाग लगेगा तो आपका नहीं कटेगा। अगर यहां पे लिख देते हैं चार, इसको जोड़ने पर देखिए नौ छ पंद्रह, पंद्रह छ इक्कीस, इक्कीस पांच छब्बीस, छब्बीस चार तीस, तो तीस है तो यह तीन से भी कट जाएगा, तीन दया तीस, लास्ट में चार है दो से भी कट जाएगा, यानी यह छ से भी कट जाएगा। ठीक है, चलिए सात का जो विभाजिता का नियम है क्या देखिए, यह कहता है यदि कोई संख्या एक ही संख्या को अगर छ बार उसको बार बार लिखा जाए, रिपीट हो, कोई संख्या एक ही संख्या अगर छ बार पुनरावृत्ति हो तो वह संख्या सात से कट जाएगा। देखिए पहला कहता है कि कोई संख्या बार बार एक ही संख्या को छह बार लिखा जाए, जैसे मान लीजिए दो चार, या एक ही संख्या को छह बार लिखे हैं कि आपका सात से कट जाएगा। दूसरा भी लिख सकते हैं, ये भी संख्या को चार बार लिखे हैं रिपीट हो, एक ही संख्या एक ही अंक बार बार रिपीट हो छह बार, वह संख्या सात से कट जाएगा। दूसरा कंडीशन इसमें है सात का ही, कोई दो अंक बार बार तीन बार रिपीट हो, जैसे 12 12 कोई दो अंक बार बार तीन बार रिपीट हो तो वह संख्या भी सात से कट जाता है। एक दो बार बार रिपीट हो रहा है, तीन बार ये भी सात से कट जाएगा। दूसरा देखते हैं, तीन एक है, तीन एक तीन एक, ये भी आपका बार बार रिपीट हो रहा है, ये भी कट जाएगा। दूसरा भी देख सकते हैं, ये भी आपका सात से कट जाएगा। तीसरा कंडीशन कहता है यदि कोई संख्या का अंक तीन अंक दो बार रिपीट हो, जैसे एक तीन चार, एक तीन चार बार बार रिपीट हुआ, ये भी कट गया, यानी छह अंक होना चाहिए। ठीक है, बार बार रिपीट हो, यानी कोई तीन अंक बार बार दो बार रिपीट हो वह संख्या क्या होगी, सात से कट जाएगी। कोई अंक दो अंक जो बार बार तीन बार रिपीट हो वो भी आपका सात से कट जाएगी, कोई एक ही अंक बार बार छह बार रिपीट हो ये भी आपका सात से कट जाएगी, ये भी आपका हो रहा है तीन अंक बार बार रिपीट हो रहा है दो बार, ये भी कट गया। यहाँ पे दो अंक बार बार तीन बार रिपीट हो रहा है ये भी कट जाएगा, एक ही अंक छह बार रिपीट हो रहा है ये भी कट जाएगा। तो सात का विभाजिता का नियम आपको इतना तत्काल जानिए, कुछ ऐसे भी होते हैं जिसको भाग करके हम लोग देख लेते हैं वो आसान होता है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसको हम लोग सात से विभाग बिना विभाग किए इसको देखकर ही बता सकते हैं। चलिए उसके बाद है आठ से विभाजिता का नियम कहता है यदि किसी संख्या का अंतिम तीन अंक शून्य हो, क्या हो, या आठ से विभाज्य हो, आठ से विभाज्य हो, अंतिम तीन अंक देखना है। जिस प्रकार चार में था अंतिम दो अंक शून्य था, अंतिम दो अंक चार से विभाज्य था, इसी तरह आपका आठ का भी है, इसमें अंतिम तीन अंक या तो शून्य हो या तो आठ से विभाजित हो, तीन अंक है ना शून्य या आठ से कट जाएगा, भाग करके देख लीजिए कट जाएगा, या आठ से विभाज्य हो 512 आठ से विभाज्य हो जाता है ना, आठ का क्यों होता है, यानी ये भी आपका आठ से कट जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, अब आगे चलते हैं।
नौ से विभाजता के नियम, नौ से व्यवस्था के नियम, नौ का जो व्यवस्था का नियम है जो तीन हम बताए थे उसी तरह आपका नौ का भी होता है। तीन में बताए थे कोई भी संख्या के अंकों का योग में अगर तीन से भाग लग जाता है तो वह संख्या भी पूरा पूरा तीन से कट जाता है। यहां पे वैसा ही है, यदि कोई संख्या है उसके अंकों का योग में अगर नौ से भाग लग जाता है वह संख्या भी पूरा पूरा नौ से कट जाता है। इसको सम करते हैं इसके अंकों को, एक आ तीन चार आ छ दस, दस आ नौ उन्नीस, उन्नीस और आठ सताइस, कितना हुआ सताइस। इसको जोड़ेंगे चार चौ दस, दस आ नौ उन्नीस, उन्नीस अब आठ सताइस, सताइस में तो लग जाएगा नौ से, यह संख्या भी नौ से कट जाएगी। अगला देखते हैं, इसको देखते हैं नौ चौ पंद्रह दिन अठारह, अठारह भी तो आपका नौ से कट जाएगा ना, ये संख्या भी आपका नौ से कट जाएगा। चलिए इसके बाद दस के विभाजता के नियम तो बहुत आसान है, इसमें कुछ इधर उधर नहीं देखना, इसमें देखना है किसी संख्या के अंत में शून्य है या नहीं, अगर शून्य होगा तो वह कट जाएगा। केवल शून्य की संख्या देखनी है, एक जीरो पांच जीरो सात जीरो, या जीरो है कट गया, जीरो 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 भी कट जाएगा, यानी केवल जीरो होना चाहिए, ठीक है, वह दस से कट जाएगा। ग्यारह से, ग्यारह से कहता है यदि किसी संख्या के विषम स्थान और सम स्थान के योग का अंतर अगर शून्य हो या ग्यारह का गुणज हो तो वह ग्यारह से कट जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, यदि कोई संख्या दिया हुआ है उसके आउट प्लेस और इवन प्लेस के योग का अंतर अगर मान लीजिए शून्य हो या ग्यारह का गुणज हो तो वह आपका ग्यारह से कट जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां देखते एक संख्या, यह देखना है ग्यारह से कटेगा कि नहीं, क्या होना चाहिए अंतर आपका शून्य होना चाहिए या ग्यारह का मल्टीपल होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। यहां देखिए यह स्थान को लेंगे तो एक छोड़ के लेंगे, फिर यहां से लेंगे इसको लेंगे और इसको लेंगे, सम कर लीजिए एक और तीन, एक आ एक दो और तीन पांच हुआ, फिर यहां देखिए एक और तीन चार आए पांच, दोनों का अंतर शून्य आ गया यानी ग्यारह से कट जाए, ठीक है। तो ग्यारह का आप लोग समझ गया कि कोई भी संख्या हो उसके ऑड प्लेस और इवन प्लेस के योग में का अंतर अगर आपका शून्य है या ग्यारह का टेबल हो गुणज हो तो आपका ग्यारह से कट जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।